नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। WHO ने कोरोना की दो नई दवाओं को दी मंजूरी। कोरोना से जूझती दुनिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। दुनिया के शीर्ष स्वास्थ्य निकाय WHO ने कोरोना की दो नई दवाओं को फिलहाल मंजूरी प्रदान की है। इनमें से एक दवा गंभीर मरीजों के लिए और एक सामान्य मरीजों के लिए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष दिशा निर्देश विकास समूह के विशेषज्ञों ने कहा है कि गंभीर रूप से कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इस्तेमाल की जाने वाली गठिया की दवा कारगर साबित हुई है। इस दवा का इस्तेमाल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ रक्त और अस्थि मज्जा कैंसर के मरीजों के उपचार में भी इस्तेमाल होता है। WHO की टीम ने सामान्य कोविड मरीजों के लिए सोट्रोवीमैप के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये उन मरीजों के लिए प्रभावी साबित हो सकती है जिनमें कोरोना तो गंभीर स्थितियों में नहीं है किंतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में जोखिम वाले हैं। इनमें मधुमेह और कमजोर प्रतिरोधक तंत्र वाले मरीज तथा बुजुर्ग शामिल हैं। WHO तेजी से बढ़ रहे कोरोना को लेकर खास चिंतित है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में अगले दो माह में आधे यूरोप के कोरोना की चपेट में आने की भविष्यवाणी की गई थी। इन स्थितियों में नई दवाओं के मंजूरी से कोरोना संकट से जूझ रहे चिकित्सक समूह में उम्मीद की किरण जागी है। उनका मानना है कि इन दवाओं के कारण मरीजों के जिंदा बचने की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही कोरोना पीड़ितों के लिए वेंटिलेटर की जरूरत भी कम आएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।